स्मार्ट टेक्निकल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे नोकिया 6 को LG Q6 के साथ। दोनों ही फोन क्या ऑफर करते हैं, आपके लिए कौन सा फोन बेटर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। दोनों ही फोन लॉन्च हुए हैं 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। नोकिया 6 भी आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा, LG Q6 भी आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करें तो नोकिया 6 में आपको मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलती है, एंटीना लाइंस मिलती हैं। जो बिल्ड क्वालिटी है नोकिया 6 की वो एकदम टॉप नोच है, क्योंकि नोकिया जाना जाता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो नोकिया 6 में दी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि LG Q6 की बिल्ड क्वालिटी खराब है। LG Q6 में बैक में प्लास्टिक मिलती है, लेकिन जो फ्रेम है वो 7000 एल्यूमिनियम सीरीज का बना हुआ है। साथ में आपको इस फोन में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही फोन अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो नोकिया 6 बेहतर दिख रहा है। इसके अलावा नोकिया 6 में डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलेगा जो LG Q6 में नहीं दिया गया है। डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ आपको ऑडियो क्वालिटी बेहतर सुनने को मिलती है LG Q6 के कंपेयर में। दोनों ही डिवाइस में 5.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा जो फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। LG Q6 में 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो यूज हुआ है, जबकि नोकिया 6 में 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो यूज हुआ है। LG Q6 स्लाइडली चौड़ा कम रहता है तो होल्ड करने में आसानी रहती है, तो LG Q6 को एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे नोकिया 6 के कंपैरिजन में। LG Q6 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया हुआ है, जबकि नोकिया 6 के होम बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो LG Q6 में Qualcomm Snapdragon 435 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Nokia 6 में Qualcomm Snapdragon 430 प्रोसेसर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन सेम परफॉर्म करेंगे। दोनों ही डिवाइस में 3GB की रैम दी हुई है और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी हुई है। कैमरा की बात करें तो LG Q6 में बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है जो f2.2 अपेचर के साथ आएगा, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का दिया हुआ है जो f2.2 अपेचर के साथ आएगा। लेकिन नोकिया 6 में बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। दोनों ही डिवाइस के कैमरा से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, चाहे वो बैक कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा हो। एज अ क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फोन के बैक कैमरा सिमिलर परफॉर्म करेंगे, लेकिन सेल्फी कैमरा की बात करें तो नोकिया 6 में बेहतर सेल्फी कैमरा दिया हुआ है कंपेयर टू LG Q6। नोकिया 6 में आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट मिलता है, जबकि LG Q6 में ये फीचर नहीं दिया गया है। दोनों ही डिवाइस में 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोनों ही डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड नोगट पर रन करेंगे। दोनों ही डिवाइस में काफी सिमिलरिटीज हैं, बस दोनों का फॉर्म फैक्टर अलग अलग है। आपको लेटेस्ट टेक का फॉर्म फैक्टर चाहिए जिसका डिस्प्ले अच्छा दिखता हो, फोन प्रीमियम लगता हो फ्रंट साइड से, तो आपके लिए LG Q6 है। लेकिन बैक साइड से देखने जाओ तो नोकिया 6 बेहतर दिखता है, तो चॉइस आपकी है। दोनों ही फोन अच्छे हैं, दोनों ही फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना यह है कि आपको कौन सा फॉर्म फैक्टर ज्यादा पसंद आता है। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।